बताएंगे कि 24 अक्टूबर इस सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, तो पूरी की पूरी दुनिया के देश लोग खेमों में बढ़ गए और पूरी की पूरी दुनिया के लोगों ने आपस में लड़ाई किया। वर्ल्ड के सबसे अपने आप को पावरफुल दिखाने के चक्कर में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों को एटम बम गिरा करके तबाह कर दिया, लाखों लोग मारे गए, तमाम शहर के शहर बर्बाद हो गए, तमाम लोग विकलांग हो गए, आज भी उनके बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो इस युद्ध की विभीषिका से, इस मानवीय त्रासदी से कोई शिक्षा मिले, कोई सबक मिले, तो पूरे विश्व के सभी जो प्रधानपति हैं, जो विश्व के जो प्रमुख देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन लोगों ने विचार किया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग आपस में कट मर जाएंगे तो पूरी दुनिया, पूरी अर्थ जो है, पूरी प्लेनेट के लिए खतरा है। तो उन लोगों ने क्या किया कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पूरी कंट्री, पूरी वर्ल्ड में सब लोगों ने मिलकर के पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, पूरी दुनिया में भाईचारा बना रहे, मानव अधिकारों का हनन हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सतत विकास हो, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इस समय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में 193 कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया भी अपना एक कंट्री है। चलिए ये एक बात हो गई। 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा एक बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट डे, कल हम लोगों ने छुट्टी का आनंद लिया ना, हमारी राज्य सरकार ने, हमारे योगी जी ने कल क्या किया, महर्षि वाल्मीकि की जयंती पे आप लोगों को छुट्टी दे दिया। छुट्टी इसलिए दे दिया कि आप लोग कुछ अपनी अवेयरली एग्जामिनेशन आपके सामने, आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए, अपने आप को रिवाइव कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, सारे हेडमास्टर्स को कहा कि यू विल कम टू द नेक्स्ट डे एंड टेल द मीनिंग आप महर्षि वाल्मीकि जयंती, आप महर्षि वाल्मीकि जयंती के अर्थ को बताएंगे बच्चों के सामने। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, आर यू रेडी? यस सर। कहानी सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आज से हजारों साल पहले एक ऋषि हुआ करते थे, वैदिक पीरियड में एक ऋषि थे, वो ऋषि लोग अक्सर जंगल में रहा करते थे, उनका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था रत्नाकर, ठीक है। वो ऋषि के बच्चे क्या है, जंगलों में खेला करते हैं, तो जंगल में खेलते खेलते एक बच्चा रत्नाकर भटक जाता है, फिर वो इतना प्यारा सा छोटा सा बच्चा वो घर को अपने भूल जाता है, बहुत सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा था, वो रोने लगता है, उसकी वो रोता ही रहता है कि एक शिकारी की नजर उसके ऊपर पड़ती है, शिकारी यानी हंटर, किलिंग द वाइल्ड एनिमल्स, वो क्या उसका काम क्या है, हंटिंग करना, वाइल्ड एनिमल्स को किल करना, चाहे वो लॉयन हो, चाहे लेपर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो डियर हो, एनीथिंग, ओके। वो देखा शिकारी, उसने कहा बेटा काहे रो रहे हो, कहाँ है घर, पता नहीं पाया, रत्नाकर कुछ बता नहीं पाया, बच्चा कुछ भी नहीं बता पाता है कि मेरे मम्मी कौन है, मेरे पापा कौन है। तो शिकारी को उसके ऊपर दया आती है, कहता है चलो मेरे घर आओ, चलते हैं। जाते हैं, शिकारी के जो वाइफ रहती है उसके भी बच्चे नहीं रहते, उसको अपना बच्चा समझ करके उसको पालते हैं, पाल पोस करके बड़ा करते हैं। और जब वो लोग, शिकारी की वाइफ भी कहती है अरे हमारे बच्चे हैं नहीं, हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो कोई ना कोई तो शिकार के लिए होना चाहिए, ये बच्चा बहुत प्यारा है, ये हमारा बच्चा है, यह शिकार करेगा। समय बीतता है, रत्नाकर जवान होता है और रत्नाकर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ शिकार का पेशा अपना लेता है, ठीक है। फिर समय बीतता गया, रत्नाकर की भी शादी हो गई, ना की शादियां, एक शादी होती है सभी की, समझ रहे बेटा। तो रत्नाकर की शादी हो गई, रत्नाकर से भी बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया। अब रत्नाकर क्या करने लगे, जंगल में आकर के शिकार करने लगे, परिवार बड़ा हो गया तो भरण पोषण के लिए ज्यादा फूड वगैरह की जरूरत है, कभी कभी शिकार से उसको मिल जाता था, कभी कभी नहीं मिलता था। एक समय ऐसी स्थिति आई कि शिकार, कभी कभी शिकार ना कर पाता था, घर में आता था बच्चे भूखे मरने लगे। ऐसी कंडीशन में उसने एक युक्ति सोची, जंगल में लोग, व्यापारी लोग अपने क्या करते थे, कारवां और काफिले के साथ जाया करते थे, जब उसके बच्चे भूख से मरने लगे रत्नाकर के, तो उसने क्या किया, उसने अटैक करना चालू कर दिया, लोगों के सामान को छीन लेता था, लोगों के नोट को छीन लेता था, हीरे अशर्फी जवाहरात छीन लेता था, कभी भोजन पाता था तो पूरा पूरा भोजन लूट लेता था। तो ऐसे होने लगा,
जो लोग उसको पैसा दे देते थे उनको छोड़ देता था, लेकिन जो लोग नहीं पैसा देते थे उनको मर्सिलेसली किल कर देता था, मार डालता था। अब उसकी आदत हो गई मारना, हत्या करना, हिंसा करना, चोरी करना, डकैती करना आम बात हो गई। किसी को छोटी छोटी बात में मार डालता था, पूरी जंगल में वो कुख्यात हो गया। कुख्यात माने जो आदमी बहुत ही डेंजरस हो, जो आदमी बहुत ही हानिकारक हो मैनकाइंड के लिए, जो हानिकारक हो वो आदमी कुख्यात होता है। जंगल में लोग जाने से डरने लगे, ठीक है। एक दिन हुआ क्या कि वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उधर से नारद मुनि जा रहे थे, देवर्षि नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि नारायण नारायण करते रहते हैं, आप जानते हैं ना, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं नारद जी। वो जंप किया और आ गया, सामने खड़ा हो गया, उसने कहा कि हैंड्स अप, हाथ अपने ऊपर कर लो और जो कुछ भी हमको दे दो। तो नारद जी ने कहा भाई ये वीणा है और करतल है जो मैं बजाता रहता हूँ, ले लो यार, शरीर पे कपड़े हैं उसको भी ले लो, लेना चाहते हो तो। और नारद जी हंसने लगे। वो डाकू की आंखें बड़ी रेड थी और बहुत ही किलिंग मूड में था। उसने कहा यार तुम हंस रहे हो मुझको देख के, पूरी दुनिया थर्रा थर्रा के हमसे काटती है, तुम हंस रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई बेटा तुम ये सब क्यों करते हो, पता नहीं कितने परिवार को तुमने अनाथ कर दिया, कितनी चोरी कर ली, कितनी डकैती कर ली, कितने बच्चे मासूम अपने माँ बाप की याद करते रहते हैं और तुम ये गलत काम कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा परिवार कैसे पलेगा पड़ेगा, इतना बड़ा परिवार मेरा है। उन्होंने कहा एक काम करो, घर जाओ, भाग करके जाओ और लोगों से पूछो कि जो पाप तुम कर रहे हो क्या उस पाप के वो भागी बनेंगे, जो तुम पाप कर रहे हो, जो सिन कर रहे हो, क्या वो आपस में बांटेंगे जैसे सामान को बांटते हैं, जैसे खाने को बांटते हैं। तो उन्होंने कहा तुम भाग जाओगे? नहीं, कहा मैं भागूंगा नहीं, मुझको ऐसे ही रस्सी से बांध दो पेड़ से। उन्होंने बांध दिया, घर पे आए, कहे पापा मम्मी कम इधर आ जाइए सारे आ गए। मम्मी पापा कहे ये बताओ जो मैं क्राइम करता हूँ, जो मैं लूट के आता हूँ, क्या तुम जब जो है इसका फैसला होगा, मैं पापी आदमी हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, तो क्या तुम भी उस पाप को बांटोगे? उन्होंने कहा मैं क्या बांटूंगा, पाप तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं, हमको तो खाने से मतलब है, चाहे जैसे तुम भोजन लेकर के आओ। पत्नी के पास गया, कहा कि जो हम पाप करके आते हैं क्या तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगी, बांटोगी क्या? यारे ऐसी ऐसी क्या बात है, पाप तुम कर रहे हो, बच्चे के ऊपर जाए, हमारे ऊपर जाए। फिर भैया उनको तो उस दिन उनको क्या हुआ कि उनकी आंख खुल गई, भाग करके देवर्षि नारद के पास आए। उन्होंने कहा कि आप जो अभी तक मेरा जो माया थी उसको, बंधन को आपने तोड़ दिया और बताइए मैं क्या करूं, अब ये सब चीजें मुझे नहीं करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम राम राम का जप करो। तो हमेशा लोगों को मारे थे, राम तो शब्द ही नहीं निकलता था उनके मुख से। तो उन्होंने कहा कि देवर्षि हमारे मुंह से तो राम निकल ही नहीं रहा, कहे ऐसा करो मरा मरा बोलो, मरा 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 मरा। देखो मरा मरा कंटिन्यूअस बोलेंगे तो राम निकलने लगा, ओके। फिर उसके बाद वो पेड़ के नीचे मरा मरा करते रहे और उसके बाद उनके शरीर को चींटियों और दीमक ने पूरा मिट्टी से ढक लिया, अपने घर बना लिए। इसीलिए वाल्मीकि को, वाल्मीकि जो वर्ड है उसको क्या कहा जाता है, चींटियों और मिट्टियों, चींटियों और दीमक से बने हुए घर को वाल्मीकि भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। हमेशा वो उनका शब्द गूंजता रहा, गूंजता रहा, गूंजता रहा। कई वर्षों के बाद देवर्षि नारद उधर से फिर गए तो वहां से राम राम वर्ड आ रहा था। वो एकदम अट्रैक्ट होकर के उनके पास आए और उन्होंने देखा कि कहा बस आंखें खोलो, आंखें उनकी आंखों में विशेष चमक थी और उन्होंने राम उनके तेज पूरा उनके मुख से एकदम ओज निकल रहा था। उन्होंने कहा बेटा आंखें खोलिए, अब आपका नाम रत्नाकर हट गया, यू हैव टेकन द नाउ न्यू बर्थ, आपने नया जन्म लिया है, अब आप पूरे वर्ल्ड में महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाएंगे। किसके नाम से? तो बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि गंदी संगति, कुसंग कितना गंदा होता है। पहले वो हंटर यानी शिकारी के साथ में रहे तो उन्होंने उस कुंची आदतों को सीख लिया। भगवान या देवर्षि नारद की शिक्षाओं से ओतप्रोत होकर के भगवान की शरण में गए तो उनका जो है पूरा का पूरा एक नया जन्म हो गया। फिर महर्षि वाल्मीकि जी क्या किए, पहले इसके बारे में जान लो, थोड़ा दो शब्द और जान लो। महर्षि वाल्मीकि जी क्या किए, अपने गंगा के किनारे एक कुटी बनाए, एक आश्रम बनाए और वहां पे रहने लगे, वहां पे रहने लगे। फिर उसके बाद एक उनको एक और भी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, जब सीता मैया भगवान राम उनको लंका के रावण का वध करके सीता मैया को अयोध्या लेकर के आए तो प्रजा के हित के लिए, प्रजा कहने लगी इतने दिन रावण के पास रही, कैसी रही होगी, क्या रही होगी, तमाम तरह के आरोप माता के ऊपर लगाने लगे। तो भगवान राम चूंकि एक अच्छे पति थे और एक अच्छे राजा थे, एक अच्छे शासक थे,
उनके लिए पहली प्राथमिकता थी अपनी शासन व्यवस्था को सुसंगठित करना। उन्होंने कहा सीता को इस समय थोड़ा देर के लिए निकाल देते हैं, इतना दिन रही है कोई बात नहीं, बट उन्होंने अन्याय किया या न्याय किया वो तो भगवान है, विधाता है, उसके ऊपर हम नहीं कमेंट करेंगे। उन्होंने क्या किया, प्रजा के अच्छाई के लिए उन्होंने माँ सीता को जो है जंगल में फिर भेज दिया। तो वाल्मीकि के आश्रम में माँ आई और वहां भगवान राम के दो बच्चों का जन्म हुआ, लव और कुश। ठीक है, फिर महर्षि वाल्मीकि पहले आदि कवि हैं जिन्होंने रामायण की रचना संस्कृत में की। उसके बाद तुलसीदास ने रामायण को ही रामचरितमानस में अवधि में लिखा। ठीक है माय डियर, आर यू लिसनिंग वेरी केयरफुली? ठीक है, वाल्मीकि के बारे में आपने जान लिया, कैसे डाकू से एक साधु और एक सन्यासी हुए, समझ रहे हैं आप? अपनी बुरी आदतों को, गंदी आदतों को कैसे रिमूव कर सकते हैं जब आप गंदे बच्चों के साथ रहना बंद कर देंगे या गंदे बच्चों का सहयोग करना बंद कर देंगे? ठीक है बेटा, थैंक यू माय डियर।